प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें, मतलब बड़ा डाउट है लोगों के में कि सर मैं मेंस का तैयारी कर लूं क्या, मेंस का तैयारी करूंगा तो मेरा प्री तो निकल ही जाएगा, तो क्या मेंस का पहले करना चाहिए या फिर वो जो गैप मिलता है उस समय करना चाहिए, आपके हिसाब से कैसे प्रीलिम्स की तैयारी देखिए, करनी पहले चाहिए? तो ना बहुत बड़ी गलत फहमी है, मतलब काफ़ी सारे लोग सजेस्ट भी करते हैं कि आप मेंस कीजिए और उससे आपको प्री का 60% सीट पहले ही क्लियर हो जाएगा। तो ये गलती मत करें, अभी आज की डेट में प्री ज़्यादा हार्ड है मेंस से, ठीक है। अगर आपका प्री क्लियर हो गया ना तो मेंस उतना हार्ड नहीं है, मेंस का एक फिक्स सिलेबस है और जो सब्जेक्ट है उसके अंदर इसके टॉपिक भी मेंशन है कि आपको जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में ये टॉपिक पढ़ना है, दर्शन है तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक में पढ़ना है। प्री का कोई सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट के नाम लिख दिए हैं और सब्जेक्ट ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस दूसरा चीज ये होता है जो हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं वो प्री में बनते हैं, मेंस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता, मेंस का फिक्स सिलेबस है और जितने टॉपिक दिए हैं आपको उतना ही पढ़ना रहता है। तो पहले तैयारी ना प्री से करनी चाहिए। मैं प्री का तैयारी किया था कॉलेज के, जब मैं थर्ड ईयर में था कॉलेज के साथ में, एक्चुअल में हुआ ये था, हम लोगों ने कॉलेज का ना प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था सेकेंड ईयर के लास्ट में, तो फिर ऐसी मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम चलता है तो ऐसे ग्रुप बना माहौल बना के सब बात बातों करते रहते हैं। तो एक दोस्त है मेरा दिलीप साहू है, तो वो ना फिर उसको किसी बुक का नाम पूछना था, एक्चुअल मेरी दीदी भी पीएससी तैयारी कर रही थी, तो बोला इस बुक को दीदी कौन से सब्जेक्ट पढ़िए करके, बोला ठीक है पूछ के बता दूंगा अभी तो नहीं मालूम। फिर उसके बाद फिर मैं पूछा कि क्यों जाना मतलब तैयारी चालू कर करके, तो बोला हाँ अभी एक कोचिंग ज्वाइन किया हूँ करके। तो हम लोग का क्या होता है सेकेंड ईयर के बाद ना 2 महीने का वेकेशनल ट्रेनिंग रहता है तो उसके लिए गैप मिलता है। मैं बोला 2 महीने कुछ करने का तो है नहीं, तो ज्वाइन करके देखते हैं क्या होता है, मूड हो जाए। तो फिर उसके बाद फिर ना मैं भी ज्वाइन किया था कॉलेज के साथ साथ। तो फिर पहले तैयारी ना प्री का ही करे, तो प्री प्री का ना 2 एग्जाम होता है, एक GS रहता है दूसरा CCET रहता है, ठीक है। अब GS में भी 2 पार्ट में है CGA और इंडियन। अब मैं CGPSC तैयारी करने वाले ज्यादातर लोग ये गलती करते देखा हूँ कि इंडियन GS को ना वो लोग छोड़ देते हैं, ज्यादातर लोग बोल रहे हो, क्यों इंडियन GS का सिलेबस बहुत ज्यादा है और लोगों को ना समझने में दिक्कत ज्यादा है, पॉलिटी को लोग नहीं समझ पाते हैं, इकोनॉमी को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। CGGS का छोटा सा बुक आता है, ज्यादातर लोग तो कोचिंग वाला ही मटेरियल प्रीफर कर लेते हैं, तो लोग उसी को पढ़ते रहते हैं और बोलते हैं हमारा निकल नहीं रहा है। तो पहले तो आप प्री पढ़िए, प्री का पहले तो उससे पहले तो सबसे ये कीजिए कि सिलेबस का प्रिंट निकाल दीजिए। काफी लोग सिलेबस डाउनलोड नहीं करते हैं, डाउनलोड करते हैं लोग प्रिंट नहीं करते हैं, प्रिंट किए तो कहीं पर धूल खाते पड़ा है, तो उससे अच्छा मैं प्रिंट करके जहां भी पढ़ते हैं वहां पर चिपका लूँ तो क्लियर हो जाएगा हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो इंडियन GS में 7 से 8 सब्जेक्ट है, CGGS में भी सिलेबस देखोगे तो ऐसा लगता है 7 से 8 सब्जेक्ट है, लेकिन वो सभी को मिला के केवल 1 सब्जेक्ट के बराबर ही है। तो चालू मैं सजेस्ट करूंगा CGGS से कीजिए। CGGS के लिए ना कोचिंग का मटेरियल आप जहाँ पर क्लास कर रहे वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर क्या काफ़ी सारे स्टैंडर्ड बुक भी आने लगे हैं, ग्रंथ अकादमी की है, अमरोही जी की बुक है, एलिन वर्मा की है, तो वो बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में काफ़ी सारे मतलब बुक लिस्ट डाला हुआ हूँ। फिर इंडियन GS के लिए वैसी इंडियन GS में गलती ये करते हैं स्टूडेंट की जो स्टैंडर्ड बुक आता है जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, उन सबसे बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि साइज मोटा है और उनको ठीक है उनको लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा सा टफ लगता होगा, लेकिन मेरा मानना है अगर वो बुक अगर एक बार आप पढ़े ना तो दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, केवल एक ही बार पढ़ना है। तो फिर मैंने उसे चालू किया। और दूसरा ये हुआ था मैं कॉलेज के साथ चालू किया था ना तो मेरे को टाइम काफ़ी लंबा मिला। कॉलेज की बात करोगे आप, जैसे मैं कॉलेज की बात करता तो मेरे को केवल 6 महीने मिलता प्री के लिए, लेकिन कॉलेज के साथ में किया मेरे पास प्री के लिए 2 साल था पूरा। तो मैंने सारे सब्जेक्ट को काफ़ी आराम आराम से पढ़ा डिटेल से, यूट्यूब में भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है, आप तो देख रहे होंगे यूट्यूब में काफ़ी सारे फ्री लेक्चर अवेलेबल है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक बार जब आपका प्री हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप मेंस चालू कर सकते हैं। तो मेंस के सिलेबस फिक्स है, आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस का सब ये मीनिंग निकाल लेते हैं कि लिख लिख के याद करना है या फिर बहुत सारे टेस्ट दिलाना है या फिर डेली 1 घंटा 2 घंटा राइटिंग स्किल का ये मतलब नहीं होता है। राइटिंग स्किल का ये मतलब है पहली तो आप जो आंसर पढ़े हो उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। नॉलेज सबके पास रहता है लेकिन हर कोई प्रेजेंट नहीं कर पाता है, उसको पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, कहाँ पर अंडरलाइन करना है, इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। प्लस कुछ क्वेश्चन इधर उधर के आते हैं तो उसको हम छोड़ नहीं सकते, तो अगर उसके बारे में आपको ठीक है पूरा नहीं मालूम लेकिन जितना भी मालूम है तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये मेंस में इंपॉर्टेंट रहता है। तो फिर इस तरह से मैंने तैयारी किया था।